तो हेलो दोस्तों, स्वागत। आज पढ़ेंगे हम पॉल्यूशन का। तो एयर पॉल्यूशन जो होता है, एयर पॉल्यूशन इज़ अ इंसिडियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, हैज़ बिकम प्रेजिंग ग्लोबल कंसर्न एंड इनविजिबल पार्टिकल्स इन हार्मफुल गैसेस सस्पेंडेड एयर टू ब्रीथ वी आर वेकिंग हैवॉक ऑन द बॉडीज एंड इकोसिस्टम। ओके, द कल्प्रिट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो भाई, जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके कल्प्रिट कौन कौन है? तो इंडस्ट्रियल इमिशन, इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्री से जो निकलता क्या क्या, फैक्ट्री से पावर प्लांट और जो ये चीज़ें होती है जो फैक्ट्री के उसमें से निकलती है हार्मफुल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट जो मैटर होता है उसके द्वारा एयर पोल्यूशन होता है। फिर दूसरा आता है व्हीकल एग्जॉस्ट, जो व्हीकल होते हैं कार ट्रक और बसेस, जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, एयर पोल्यूशन के लिए। इसके अंदर जो गैस निकलती है जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल गैस, जो इनके अंदर जो गैस मिली होती है पेट्रोलियम के साथ, वो जाकर एयर पोल्यूशन करती है। ठीक है साथियों। फिर बर्निंग फॉसिल, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे पेट्रोल डीजल कोयला, इनको जलाने पर एयर पोल्यूशन होता है। द कंबशन ऑफ कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिलीज हार्मफुल पोल्यूटेंट इनटू एटमॉस्फेयर। ये जलते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या जाता है, हार्मफुल केमिकल जाता है। फिर अगला है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होते हैं उसमें क्या होता है, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, और जब एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, जो कचरा निकलता है खेतों में से, उसको जब जलाते हैं तो उसके द्वारा भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है। अब इसके जो हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, तो जो हेल्थ इम्पैक्ट है, सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है जैसे अस्थमा, ब्रेंचिट्स, एम्फिजमा एंड लंग कैंसर। फेफड़ों का अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होते हैं, एम्फिजमा होता है और लंग कैंसर हो जाता है। ठीक है। फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल मतलब तंत्रिका तंत्र की, इसमें क्या होता है, रिड्यूस कॉग्निटिव फंक्शन और इम्पेल्ड ब्रेन डेवलपमेंट, कि ब्रेन को और कॉग्निटिव फंक्शंस को क्या होता है, रिड्यूस करता है। ठीक है। और प्री मेच्योर डेथ होती है, प्री मेच्योर डेथ मतलब पहले ही आदमी मर जाता है अपनी वास्तविक उम्र से पहले। ठीक है साथियों। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट, जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है सबसे पहले होती है एसिड रेन क्या होता है, डैमेज फूड फॉरेस्ट को करता है, लेक्स को करता है और बिल्डिंग्स को, एसिड रेन की वजह से ये चीज़ें क्या होती है, डैमेज होती है। ठीक है। एसिड रेन पे अलग से हम लेक्चर बनाएंगे अभी। फिर क्या होता है, एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस निकलेगी जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा और जो पोल पे जो आइस है वो क्या होगी, रिड्यूस मतलब पिघलेगी, जिससे जल स्तर सागरों का बढ़ेगा और सुनामी वगैरह आएगी। फिर होता है ओजोन डिप्लेशन, क्या होगा, ओजोन लेयर जो होगी उसकी मोटाई कम होगी, रिड्यूस द अर्थ ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर्स। ठीक है। फिर अगला है रिड्यूस विजिबिलिटी, इम्पेयर विजिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी और डैमेज क्रॉप, ये विजिबिलिटी को क्या करेगा, लो करेगा और क्रॉप और इको सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। ठीक है। फिर आता है मिटिगेटिंग थ्रेट, क्या होता है, एड्रेसिंग अ पॉल्यूशन एंटी फेसेट अप्रोच इंडिविजुअल गवर्नमेंट। अभी इसे कम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जा रहा है, तो सबसे पहले स्टिकर रेगुलेशन लगाया जा रहा है, इम्प्लीमेंटिंग अ एनफोर्सिंग स्टिंगमेंट एमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल और इंडस्ट्रीज, इन पे रूल्स लगाया जा रहा है कि कम से कम वाले जो कार्बन एमिशन प्रोडक्ट है ये यूज़ करें। फिर क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर वाइंड और हाइड्रो पावर, ऐसे प्रोजेक्ट जिनसे
एयर पोल्यूशन कंटेंट नहीं होते, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने का गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, ठीक है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा, इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकलिंग रिड्यूस व्हीकल इमिशन। क्या होगा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो कम इमिशन जाएगा, और साइकिलिंग से तो होगा ही नहीं। फिर टेक्निकल एडवांसमेंट, तो टेक्निकल एडवांसमेंट में क्या होगा, डेवलपिंग क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, ऐसी डिवाइस बनाए जो पोल्यूशन कंट्रोल करे। फिर इंडिविजुअल एक्शन, इंडिविजुअल एक्शन क्या, रिड्यूसिंग पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट यूजिंग एनर्जी इफिशियंस अप्लायंस और कार पुलिंग, ऐसी चीज़ें यूज़ करो घर में, कार्बन पॉइंट फुटप्रिंट पे फिर कम एनर्जी लगे, जिससे ऐसे अप्लायंस यूज़ करना है। और कार पुलिंग मतलब आज उसकी गाड़ी लेके चल जाओ, कल उसकी गाड़ी से कम खुद ज़्यादा वाहनों का यूज़ ना करें। द एयर पोल्यूशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स इश्यूज विथ नो ईजी सोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका सोल्यूशन अभी बहुत कम हो रहा है। बाय टेकिंग कंसर्टेड एक्शन वी कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव क्वालिटी, प्रोटेक्ट एंड हेल्थ बोथ ह्यूमन एंड प्लानट। जब हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तभी हम ह्यूमंस और जो हमारे प्लानट है उसको बचा पाएंगे। साथियों, छोटा सा लेक्चर था, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।